पहले अभी हम पहुंच चुके हैं और देवघर अड्डे पर पहुंच चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुशखुरम होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपने जगह में सब होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो है व्लॉग इधर करते हैं और जो भी एक्टिविटी होगी तो यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना करें, मेरी वीडियो मुकम्मल अगर फुल वॉच पे करें। और माशाल्लाह सुबह का व्यू देखें, वर्ष बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ग्रीन माशाल्लाह, और साथ में हरियाली और ठंडी ठंडी हवा। एकदम मौसम पलटी खाता है कि ठंडी ठंडी हवा चल जाती है, और एकदम मौसम पलटी खाता है कि एकदम गर्म हो जाता है। अभी यानी कि मौसम की कोई समझ नहीं आ रही कि मौसम कर क्या रहा है हमारे साथ, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी मौसम ठंडा। टाइम हो गया है तो अभी भाई मैं और मुजम्मिल जा रहे हैं जुम्मे पर, और टाइम ही बहुत कम है। मुजम्मिल क्या बाल बना रहे हो? जुम्मे पे जा रहे हो, बाल बना रहे हो भाई? भी बाल बनाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई चलो जुम्मे चलते हैं, टाइम बहुत कम है आज भाई, चलेंगे भी मोटरसाइकिल। आज हम मोटर बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ 10 मिनट रह गया है, तो इस वजह से ना आज मैंने कहा पैदल जाने से जो है ना जुमा चूक जाएगा, क्योंकि देर बहुत हो गई थी, थोड़ा सा घर पे काम कर रहा था इस वजह से देर बहुत हो गई। तो मैंने जल्दी जल्दी से नहाया धोया और जो है ना अब जो है ना मैं और मुजम्मिल जा रहे हैं भाई मोटर बाइक पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मस्जिद पहुँच चुके हैं और ये रहा मस्जिद का मेन गेट, तो अभी चलते हैं और नमाज पढ़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमे की नमाज़ अदा कर लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जो है मुझे जुमा पढ़ने की सआदत नसीब अता फरमाई। तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से जुमा मुबारक, और जो नमाज़ नहीं पढ़ते, जुमा नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनको नमाज और जुमा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह इस पाक दिन के सदके, इस कला इस पाक जुमे के सदके हर किसी के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करना, और हर किसी के लिए आसाइश पैदा करना, और जो बीमार हैं कर्जमंद है अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर करना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं तो आज मुजम्मिल ने कहा कि मैं जुमा है आज जो है ना मैं नाच सुनाऊंगा, तमाम यूट्यूब फैमिली को नाच सुनाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर नाते हैं और मस्जिद में, ऐसे मुजम्मिल तो आज मुजम्मिल ने हाँ तो आज मुजम्मिल ने कहा अभी भी नात पढ़ के आया है, तो आज मुजम्मिल ने कहा यूट्यूब फैमिली को मैं नात सुनाऊंगा एक प्यारी सी, तो भाई मुजम्मिल कोई प्यारी सी खूबसूरत नात सुना दो ताकि दिल रोशन हो जाए। हाँ सुना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो, मेरी किस्मत का चमका दो, सितारा यार रसूल अल्लाह। मुझे भी अपना दीवाना बना लो यार रसूल अल्लाह। अगर होता कबूतर मैं, अगर होता कबूतर मैं, तोड़ जाता मदीने में, वहाँ जाकर मैं ना आता दोबारा या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या रसूल अल्लाह। वाह भी वाह माशाल्लाह, मजा आ गया मुजम्मिल, मजा आ गया। आज जो है खाला की तबीयत खराब है और सानिया बना रही है। सालन सानिया किस चीज़ का बना रही हो? चिकन का बना रही हूँ। चिकन का जी, अभी मसाले और जो है प्याज वगैरह ये डाल दिए और अभी जा रहे हैं चिकन लेने। जो है हमने डाल लिया और ये देखो सालन जो बन है और नीचे आलसी हो ज़्यादा चली गई है, सालन जो है अभी रेडी होने वाला है। पानी और आलू जो है हमने डाल दिया है और अभी इसके ऊपर देंगे प्लेट देकर, फिर ये थोड़ी देर के अंदर बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिनर लग चुका है और मुजम्मिल साहब भाई बड़े मज़े के साथ खा रहे हैं। मुजम्मिल आज कैसा बना हुआ है सालन? पता है आज सन्या ने बनाया है, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब है ना, तो सन्या ने बनाया। अच्छा बनाया है? मेरी भी तबीयत खराब है। अच्छा बनाया हुआ है ना?
बहुत अच्छा बना रहा था। अच्छा आधी रोटी चली भी गई पता भी नहीं लगा। वाह भाई वाह, तो माशाल्लाह मैं भी डिनर करता हूँ और मुजम्मिल काफ़ी तारीफ कर रहा है, वो चिकन बना हुआ है साथ में तंदूर की रोटी, तो भाई करते हैं डिनर मज़े के साथ आज। अभी भाई हम जा रहे हैं एयरपोर्ट शर्किया भाई, रमज़ान भाई के भाई को छोड़ने के लिए, और साथ में आपकी तारीफ मलिक साबिर। मलिक साबिर और डिस्को, ये क्या चीज़ है? सामान है। ये सामान है, वो नहीं है बैग वगैरह, नहीं है बैग वगैरह, बैग नहीं है भाई साहब? नहीं नहीं बैग नहीं है, देहाती माहौल का ऐसे बैग लेके क्या करेंगे, शहरी थोड़ी हम लोग। अच्छा हम देहात के गठरी वाले। जी गठरी वाले। चलो भाई चलते हैं और इसको पिक करते हैं, ये जा रहा है भाई, वहीं जाके बताएंगे ठीक है ना, यहाँ नहीं बताएंगे। फिर भी बार थोड़ा कंफ्यूज है ना कि ये जा कर आ रहे हैं, ये देखें भाई देहाती माहौल है बिल्कुल, हमने जो अपनी पुरानी सकाफत जागी आई है जो हमारे बाप दादा की थी है लेके आ गया, वही लेके आ गया व्लॉग के अंदर स्पेशली ये नौजवान, ये नौजवान। चलो भाई चलो साहब आगे बैठो, मेरी जगह है नहीं, मैं कहाँ बैठूंगा। हाँ ओ भाई वाह भाई वाह, जगह बन गई भाई। सफ़र जो हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई, ये देखें भाई इधर उधर से जो है ना सारी फसल ही फसल फसल ही फसल, ये देखो भाई इधर से भाई जंगली चीज़ भी निकल सकती है भाई, इतना खतरनाक रास्ता होता है, फिर भी हम जो है ना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं, हमारी आदत है। अभी हम फाटक क्रॉस कर रहे हैं और ये रहा अमरपुर का फाटक, बहुत ही झटके हैं यहाँ पर, और ये रहा भाई सामने बोर्ड एयरपोर्ट क्या बालपोर चंडीगढ़ रेंजर का, तो भी चलते हैं हम और अड्डे पर जाते हैं भाई साहब को उठाते हैं गाड़ी पे। ये हम चौक पर पहुँच चुके हैं और चाचा बस्ती चौक है, यहाँ से भी बसें जाती हैं, लगे हमने आगे वाले स्टाफ से बस पकड़नी है और साबिर यहाँ पे ठहरा हुआ है और यानी कि इसका भाई गया है यहाँ से लोड करवाने। हाँ बर्गर लूँगा, बर्गर अच्छा लगता तुझे आए बसे कभी देखिए, कोचे देखिए बड़े वाली, बड़े वाली कोचे देखिए, अच्छा क्या वो देखिए, हाँ जी पहलवान देखिए, अच्छा प्यारा देखिए। चलो चलो जाओ जाओ ले आओ, आप ही ले आओ ले आओ ले आओ, कबाब से पिलेगा नहीं नहीं हम कहाँ पर जाएंगे, बर्गर अभी लेगा वापसी ले लेगा, कहाँ पर छोड़ने जा रहे हैं इसको आगे अब्बास चौक पर, फिर वापसी पर ले लेंगे, आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं आप ले लें। चलो चलो ठीक है, पहले अभी हम पहुँच चुके हैं और डेवो के अड्डे पर पहुँच चुके हैं और ये भाई साहब रमजान भाई के छोटे भाई हैं ना, तो ये जाएंगे भाई इस टाइम, मैं अभी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, दोपहर में आया था टिकट ट्रेन मैंने आ गया। अच्छा तो इंशाल्लाह ताला अभी रात के 10 बजे की हमारी गाड़ी है, 10 मिनट। हाँ वाह माशाल्लाह, ये भी सर्विस है ठीक है, हाँ अपना खाना मिलती है, अगर अपना कोई चीज़ मंगाए वो मिल जाती है फ्री। अरे हर चीज़ फ्री मिलती है, फिर जाओ इधर वो बर्गर पर फ्री मिलेगा। चलो ठीक है वाह जी वाह, और सामान भी आपने जी, ये हमारा ये अपने दादों से परदादों का सामान, हमने भी वही सोच रखी है, कभी दादे पहले ठेला लेके जाते थे, सही है सही हो गया, हमारे वो उठाने से और हमारे उठाने से कौन सा फर्क है, नहीं नहीं बाप बेहतरीन है बेहतरीन है भाई, बेहतरीन है भाई, ये कोई ना सोचे कि तशर करते नहीं में कुछ है, बात सही है भाई, वी आई पी है। जितना भी सदा कर
रमजान के भाई को छोड़ के आ गए तो भाई उसका छोटा भाई ने कहा भाई मैं तो लूँगा बर्गर, जब से आया तो बर्गर बर्गर कह रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई बच्चे की ये डिमांड भी पूरी कर दें, तो बच्चा भाई यहाँ से बर्गर ले रहा है। हाँ ले 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 ले, तो फाइनली बच्चे ने भाई ले लिया बर्गर, मिल गया जी। अच्छे वाला है जी, आपने बहुत अच्छे वाला लेकर दिया। देख ले फिर सही है, तुम्हारी डिमांड पूरी हो गई जी? पूरी हो गई। कि नहीं हुई? ओके ओके। खुश? अब चलना है? चलो। के और प्रकार खड़ा है, चलो बैठो आओ। सही आओ, जबरदस्त। मेरा रमजान का भाई छोटा भाई जो है ना अपने कुमार को चला गया है इस्लामाबाद, और जो है ना वहाँ पे जाकर काम करेगा, जॉब करेगा। ये मत समझना कि जो है ना वो उस तरह बैठ के कर लिया है, वो वहाँ नहीं गया, वो यानी कि एक कंपनी है वहाँ गया है और वहाँ पे जो है ना काम करेगा, ड्राइवर वगैरह करेगा, और वहाँ पे जो है ना उसको तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी, तो वही चला गया। ये जो कुछ देर पहले का ब्लॉग था और मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी मसरूफियात थी, और इस वजह से जो ना ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया। आज मुझे फुर्सत हुई और मैंने ब्लॉग अपलोड किया है, और यहाँ पर अपना ब्लॉग भी एड करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को दुआ में याद रखें, और आपका भाई भी आपको इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखेगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।